Hi everyone, this is Omanj. I am an independent filmmaker. Do subscribe my channel, Postguru. ओके वन मोर टाइम लेट्स टॉक अबाउट हस्ती रहे तू सो गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस ब्रेकडाउन ऑफ हस्ती रहे तू जिसमें मैंने ऑलमोस्ट मेजर ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स का ब्रेकडाउन किया लाइक डोर ट्रांजिशन थ्री सिक्सटी इफेक्ट एंड पेपर क्रम्बल ट्रांजिशन तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी जाकर देख लेना सो so, उस वीडियो पर मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि भाई वो गिरने वाले ट्रांजिशन का भी ब्रेकडाउन कर दो यार तो so, आज इस वीडियो में मैं प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा इस फॉलिंग रोटेशन ट्रांजिशन का ओके okay, सो so, मैंने ट्रांजिशन काफी एड फिल्म कमर्शियल्स मैं ऑलरेडी बहुत बार देखा हुआ है तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि यार इसको रिक्रिएट जरूर करूंगा अपने स्टाइल में। तो जब मैं हस्ती रहे के को बना रहा था तो मुझे घूमने मतलब तो निकल जाते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो म्यूजिकली एंड ऑल्सो लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बढ़िया था ये इफेक्ट बट इसमें जो मेन चैलेंज था वो था लिपसिंग की यार गिरते गिरते सिंक कैसे करेगा गाने को क्योंकि वही एक चीज है जो इंटरेस्टिंग फैक्टर ऐड करेगा और

म्यूजिक वीडियो के टाइम एंड बजट को कंसिडर करते हुए दिस मेथड इज नॉट एन ऑप्टिमम सोल्यूशन अब सेकेंड मेथड है जिसमें कोई भी मैकेनिकल रिग नहीं है और कैरेक्टर को हम एक्चुअल में फॉल करा रहे हैं कैमरा के साथ बट इस मेथड का जो ड्रॉबैक है वो है लिपसिंग की लिपसिंग कराना गिरते वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है चलो गिरते वक्त तो करा भी सकते हैं बट जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठता है कैरेक्टर तब वो सिंग कराना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो इसी रीजन की वजह से मैंने ये वाला मेथड यूज किया फर्स्ट रोटेशन में एंड एक और रीजन भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन टू क्रिएट दिस ट्रांजिशन एंड ये मेथड काफी ज्यादा चीप एंड रिलायबल है सो so इसमें हम ग्रीन स्क्रीन का यूज करेंगे एंड ग्रीन स्क्रीन यूज करने के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा बट या लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने कैसे इसको यूज किया है ओके सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत ही अमेजिंग टूल के बारे में बताता दैट इज रिमूवर बाय और आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी यही है तो एक बार देख लो बहुत बढ़िया चीज है तो बेसिकली इस टूल का यूज करके आप इजिली अपनी किसी भी फोटो से वॉटरमार्क रिमूव कर सकते हो तो अब इस मैजिक को देखने के लिए सबसे पहले आपको हिटपॉ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है फिर साइन अप करने के बाद आपको वॉटरमार्क रिमूवर पर क्लिक करना है अब सिंपली यहां पर अपनी इमेज को अपलोड कर देना है और जहां पर भी वॉटर मार्क है अब उसको सिंपली पेंट आउट करना है इस टूल से अब परफेक्टली पेंट होने के बाद आपको रिमूव पर क्लिक करना है एंड लेट द मैजिक हैपन एंड या देर यू गो बहुत ही सिंपल यू आई एंड बिल्कुल बेसिक स्टेप्स में इतना क्रेजी काम हो गया तो मैं इस टूल को, थोड़ सा था 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 रे रे तो को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा था एंड आई रियलाइज की भाई दिस इज समथिंग मोर देन वॉटर रिमूवर अब जैसे मैंने यहाँ पे आदमी ही पेंट करके उसको रिमूव कर दिया तो मुझे ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड आप अपनी क्रिएटिविटी

और उठता तो उसका जो बॉडी पोस्चर होगा उस वक्त वो हमको इनेक्ट करना पड़ेगा और जब वो ग्राउंड पर गिरता है और ग्राउंड से उठता है उसको हम इम्पैक्ट पॉइंट्स कहते हैं नाउ मैंने कोरस को भी ना उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन कर दिया था फॉर एग्जाम्पल हां भूला मैं जहां तो जहां इज एन इम्पैक्ट पॉइंट सिमिलरली मैं करता दुआ तो दुआ इज एन इम्पैक्ट पॉइंट जिससे हम ट्रांजिशन करेंगे तो फिर सिंक वाला पार्ट ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट शूट करने के बाद वी विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रेम एंड बस बैकग्राउंड की एमटी प्लेट का शॉर्ट लेंगे कैमरा रोटेशन के साथ और कैमरा रोटेशन की स्पीड भी हमें मैच करनी पड़ेगी गाने के काउंट के साथ मतलब की वही इम्पैक्ट शॉट अगेंस्ट ग्रीन स्क्रीन एंड रोटेशन शॉट ऑफ द बैकग्राउंड प्लेट सो इस तरीके से कोरस के जितने भी इम्पैक्ट पॉइंट है उनको अलग अलग लोकेशन पे हमने शूट कर लिया था अब इसमें भी ना हमको दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है जैसे कि की सब्जेक्ट एंड कैमरा की हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए सब्जेक्ट एंड कैमरा का जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा हमें हर लोकेशन पर और हमको सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड को बिल्कुल सेम टाइम पर शूट करना पड़ेगा ताकि जो लाइटिंग है वो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट की बिल्कुल सेम रहे ओके okay, अब समझते हैं कि एडिटिंग में क्या करना है तो सबसे पहले अपनी क्लिप्स को टाइमलाइन पर अरेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर ट्रैक और जो कैरेक्टर की लेयर है वो टॉप पर रहेगी और बैकग्राउंड की लेयर उसके नीचे रहेगी सेकंड स्टेप है कि की लाइट इफेक्ट को यूज करके क्रोमा को की कर देना है नाउ थोड़ी बहुत स्पीड एंड पोजीशन को ट्वीक करके सब ट एंड जो बैकग्राउंड की लेयर है उनकी टाइमिंग को हमें अब सिंक करना है सो so देट वो रोटेशन थोड़ा सीमलेस लगे अब ये सारा बेसिक काम होने के बाद हमको थोड़ा सा डिटेल्स पे वर्क करना है लाइक शेडोज एड करने के लिए हमें सेम क्लिप को रोटेट एंड डार्क करके उसी के नीचे लगा देना है फिर उस शेडो वाली लेयर को सब्जेक्ट की पोजिशन के अकॉर्डिंग एनिमेट करना है फिर सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड की लेयर को प्री कंपोज करके उस पर पिक्सल मोशन ब्लर लगा देना है और बस यही सेम काम सारी क्लिप्स के साथ करना है एंड यू आर गुड टू गो देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने किया वो परफेक्टली सीम स है बट हां काफी हद तक डिसेंट काम है ये बिकॉज अपना टू हंड्रेड परसेंट दे दो मिस्टेक्स आपसे हमेशा होंगी बस मैटर ये करता है कि आप कितना एक्सेप्टेबल बना सकते अब इसका मतलब ये नहीं नहीं है है कि आपको आपको डिटेलिंग डिटेलिंग पे पे काम नहीं करना। पे तो आपको बहुत काम करना करना तो बहुत सॉलिड तब जाके आप थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी पा पाओगे अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ क्यों हमने पैराडॉक्स को एक्चुअल में गिराया था जब ये रोटेशन ट्रांजिशन स्टार्ट होता है देखो यार फिल्म मेकिंग में ये एक तरीका है चीट करने का क्योंकि अगर पहला शॉर्ट ही रियल होगा तो आने वाले जो शॉर्ट्स हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं रियल

वाला पार्ट शूट कर रहे थे देन वी कुड हैव मूव द टॉप लाइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ताकि वो लाइट की डायरेक्शन चेंज होने का इफेक्ट आ पाए सो so ये सब चीजें हैं जो इम्प्रूव करी जा सकती थी बट या नेवर माइंड सब कुछ लर्निंग है सो या आई थिंक दैट्स इट तो वीडियो को लाइक मारो कमेंट करके बताओ कैसी लगी एंड जो पुराना वाला ब्रेकडाउन है उसको भी प्लीज जाकर देख लो